स्कूल एज अ टीजीटी इंग्लिश टीचर। यस, लास्ट वीडियो में हमने स्टडी की थी पार्ट ऑफ स्पीच की, और पार्ट ऑफ स्पीच के सारे पार्ट्स के बारे में मैंने आपको नॉलेज दी थी। सो उसी नॉलेज के बेस्ड पर हम अपने वन बाय वन एक एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे और उसको डीपली स्टडी करेंगे। ओके, सो फर्स्ट टॉपिक था हमारा नाउन। ओके, व्हाट इज अ नाउन? लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था ना क्या होते हैं नाउन, क्या इसकी डेफिनेशन होती है, और मैंने आपको होमवर्क भी दिया था कि इसको आपको अपने माइंड से जो मैंने समझाया आपको उसको आपको राइट करना है। सो कर लिया आपने, इट इज क्लियर? हाँ, तो नाउन क्या थी, उसकी डेफिनेशन क्या थी? नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स, एंड नेम इन वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। यस, सो व्हाट इज अ नाउन? मैंने पूछा था आपसे एंड टेबल्स बनवाई थी कि नाउन्स की सारी टेबल्स बनानी है आपको। Environment according all things we can see and called its name, that is a noun, है ना? जितनी भी चीजें होती हैं जिनको हम देख रहे हैं हम उनके नाम कह रहे हैं उनके नाम से, तो उनको क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। लेकिन इस दुनिया में तो बहुत सी चीजें हैं, बहुत सी ऐसी फीलिंग है, बहुत से ऐसे वर्ड है, तो हम किस किस को नाउन कहेंगे? तो कंफ्यूजन हो गया ना, फिर क्या करें? चलो एक काम करते हैं, हम इसको कैटेगरी वाइज डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड कर देना उसको कैटेगरी वाइज, हम नाउन को डिवाइड कर देते हैं। तो ये जो हमारा कंफ्यूजन है ना कि किस किस को नाउन कहेंगे, क्या ये भी नाउन होगा, क्या ये वर्ड नाउन होगा, थोड़ा थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा कहाँ पर जहाँ कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे आएंगे। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम इसको कैटेगरी वाइज डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो हम नाउन को डिवाइड करेंगे फाइव टाइप्स ऑफ नाउन, पांच डिवाइडेशन इसके करेंगे। कौन कौन से नाउन्स होते हैं देखते हैं। नाउन्स होते हैं फाइव टाइप्स ऑफ नाउन, कॉमन नाउन। नाउन होते हैं पांच तरीके के, हम नाउन को अगर देखेंगे तो नाउन होता है हमारे पास फाइव टाइप्स ऑफ नाउन। Okay, how many types? Five. Common noun. Common noun. Proper noun. Proper. Okay. Next is proper noun. Okay. Next is abstract noun. Abstract noun. Material noun and fifth is what is selective noun. Now okay, fifth is collective noun. Five types of noun: proper noun, common noun, collective noun, abstract noun and material noun. ये हमने category wise nouns को divide कर दिया क्योंकि nouns होते हैं हमारे names. अब इस दुनिया में तो इतनी सारी चीजें हैं, अब उनको किस किस को name क्या क्या होंगी, तो थोड़ा confusion रहता है। उसकी वजह से हमने इनको five types में इनको divide कर दिया है। पांच तरीके के ये noun होते हैं: proper noun, common noun, collective noun, abstract noun and material noun. And चलिए अब हम इसको समझते हैं किस तरीके के noun होते हैं। चलिए अब फर्स्ट हमारे पास प्रॉपर नाउन। प्रॉपर ये एक वर्ड ही ऐसा है जिससे कि हमें समझ में आ रहा है, प्रॉपर यानी कि सही तरीके का, एग्जैक्ट है ना, बिल्कुल प्रॉपर हो, उसे हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। जैसे कि हमने कहा ग्रुप में नेम्स होते हैं, जैसे कि मैंने बोला स्टूडेंट्स, क्या बोला मैंने? स्टूडेंट। बट लेकिन किसी एक पार्टिकुलर स्टूडेंट का नाम लिया मैंने, ठीक है, किसी पार्टिकुलर एक स्टूडेंट का नाम लिया मैंने राहुल, तो वो क्या हो गया हमारा प्रॉपर नाउन हो गया। लेकिन अगर मैंने स्टूडेंट बोला था तो स्टूडेंट क्या था? स्टूडेंट्स में तो सारे स्टूडेंट्स आ रहे, सो इट इज आई थिंक कॉमन वर्ड, ठीक है, तो कॉमन वर्ड है तो काय में आएगा? कॉमन नाउन में। इट इज क्लियर कि जब हम पार्टिकुलर किसी एक पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग का नाम लेंगे ना तो वो काय में आएगा? हमारा प्रॉपर नाउन में आएगा, प्रॉपर एडिटर। लेकिन जब हम किसी कॉमन वर्ड को यूज करेंगे तो वो आएगा हमारा कॉमन नाउन में। कलेक्टिव, कलेक्ट का मतलब इकट्ठा करना होता है, जब हम इकट्ठा करी हुई चीजों को देखेंगे
क्या होंगी हमारे पास कलेक्टिव नाउन। अब देखो आपको ये तो पता था कि नाउन जो होते हैं वो नेम्स होते हैं, पता था ना आपको कि नाउन्स जो होते हैं वो नेम्स होते हैं। लेकिन अगर आप इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम ये आपने तो बोला था नेम्स होते हैं लेकिन ये तो पूरा ग्रुप में ही है, तो अब ये क्या नाउन होगा कि नहीं होगा, तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ही हमने जो नाउन्स है उसकी कैटेगरीज वाइज उसको डिवाइड किया। सो जो ग्रुप में भी होंगे ना उनको भी क्या होगा, वो भी नाउन होगा, लेकिन वो कौन सा नाउन होगा, वो कलेक्टिव नाउन होगा। फॉर एग्जाम्पल हमने बोला कलेक्टिव में, कलेक्टिव वाले में अ बंच ऑफ ए की, ठीक है, अ बंच ऑफ ए की भी नाउन है, लेकिन जो बंच है ना वो बंच गुच्छे के साथ में बहुत सारे हो, तो वो कलेक्टिव नाउन हो गया, कलेक्ट हुई भी है, इकट्ठा हुई भी है, तो वो क्या हो गया हमारे पास कलेक्टिव नाउन हो गया। ओके, अब हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट ये कुछ अजीब सा नहीं लग रहा वर्ड, चलिए हम देखते हैं इसको। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है फीलिंग वर्ड्स, ओनली जिन्हें हम फील कर सकते हैं, नॉट टचेबल, आई कैन नॉट सी, और ना ही उन्हें हम देख सकते, वी कैन नॉट सी एंड नॉट टचेबल, ना तो वो टच किए जा सकते ना ही हम उसने देख सकते। आप क्या ये कोई भूत है? कुछ बच्चे बोलोगे मैम ये तो भूत होगा फिर, नहीं मुझे पता है कुछ नॉटी स्टूडेंट्स होते हैं ना वो हर कुछ बीच में बोलते रहते हैं, है ना, तो ये भूत नहीं है, ये वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम सिर्फ फील कर सकते हैं देख नहीं सकते। जैसे कि सैड, हम दुखी हैं बहुत ज्यादा, तो दुख को हम फील कर सकते हैं ना कि देख सकते। ओके, और जैसे कि हम बहुत ज्यादा खुश हैं ना तो वो खुशी हम महसूस कर सकते हैं देख नहीं सकते, हम किसी से नफरत करते हैं तो वो हेट हो गया, है ना, हेट जो वर्ड है, हेट करना, आई हेट यू, हेट करना, तो वो जो हेट वर्ड है ना वो क्या है, और वर्ड है, है ना। बाय एक्शन हम उन चीजों को दिखाएं तो वो वर्ड्स क्या कहलाते हैं, एबस्ट्रिक वर्ड कहलाते हैं, यानी कि ऐसे वर्ड्स जिन्हें हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, बाय एक्शन उनको हम करके दिखाते हैं तो वो वर्ड्स क्या कहलाते हैं, हमारे एबस्ट्रिक नाउन कहलाते हैं। ठीक है, आप कहेंगे कि मैम नफरत किसी से करते हैं तो वो तो दिखती है, तो दिखती वो ऐसे नहीं है कि हाँ नफरत ला के रख दो सामने, वो ऐसे दिखती बाय एक्शन, जब हम उसके अकॉर्डिंग उसके अगेंस्ट कुछ काम करेंगे तो वो बाय एक्शन हम उसे दिखा सकते हैं, बट वो जो वर्ड है उसे ला के रख नहीं सकते। जैसे कि ट्री है, ट्री हमें दिख रहा है, हम उसको टच भी कर सकते हैं, ले सकते हैं, लेकिन हेड जो है, हमने जो हेड कहा कि हम किसी से नफरत करते हैं, हेड करते हैं, तो उसको हम हेड जो वर्ड है उसे बना करके उस चीज को हम रख तो नहीं सकते, बाय एक्शन उसे प्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो एबस्ट्रैक्ट इज क्लियर? यस। मटेरियल नाउन, व्हाट इज अ मटेरियल नाउन? मटेरियल नाउन इज अ मैटर ऑफ थिंग्स, ऐसी चीजें होती हैं जिन जिनसे फिर यूजेबल थिंग्स बनती है, जैसे वाटर हो गया, स्टील हो गया, आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, तो ये सारे नेम्स का आएंगे हमारे मटेरियल नाउन में। इट इज क्लियर? यस। तो नाउन हमारे फाइव टाइप्स होते हैं, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, एबस्ट्रैक्ट एंड मटेरियल नाउन। अब मैं इसको आपको एक एक करके डेफिनेशन एंड इनका अच्छे से समझाती हूँ आपको। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट प्लीज। यस, हाँ, तो हम लिखते हैं प्रॉपर नाम। Proper noun. Proper noun. Proper noun is
walking B to C. अब इसने क्या कहा हमें डेफिनेशन में? प्रॉपर नाउन इज अ नेम व्हिच शो पर्टिकुलर पर्सन क्लास एनिमल और थिंग इट इज सी. क्या करता है वो हमें शो करता है. क्या करता है? दिखाता है क्या पार्टिकुलर यानी कि स्पेशल पर्सन क्लास एनिमल और थिंग का नाम हमें बताता है. वो क्या कहलाता है? हमारा प्रॉपर नाउन कहलाता है. क्या कहलाता है? हमारा प्रॉपर नाउन कहलाता है. कैसे कहलाता है? जैसे कि मैंने कहा क्रिकेटर्स, आई स्पीक क्रिकेटर्स. लेकिन क्रिकेटर्स तो मैंने क्रिकेटर्स में तो सारे क्रिकेटर्स आ रहे हैं, लेकिन मैंने पार्टिकुलर किसी एक क्रिकेटर का नाम लिया सचिन तेंदुलकर. जब मैंने कहा सचिन तेंदुलकर, जो वो सचिन तेंदुलकर भी वो क्या हो गया? हमारा प्रॉपर नाउन हो गया. क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया. फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैंने बोला सचिन तेंदुलकर. तो ये जो सचिन तेंदुलकर आया है ना, ये हमारा क्या है? पार्टिकुलर किसी एक इंसान का हमने नाम लिया. तो ये जो सचिन तेंदुलकर है, ये क्या हुआ? हमारा प्रॉपर नाउन. अब मैंने कहा एक्टर्स, तो एक्टर्स तो सारे हैं, लेकिन उन एक्टर्स में से सिर्फ एक इस एक्टर का नाम लो, जैसे कि शाहरुख खान. तो जो शाहरुख खान है, तो ये शाहरुख खान क्या हो गया? हमारा प्रॉपर नाउन हो गया, क्योंकि किसी एक इंसान का हमने नाम लिया है यहाँ पे. जैसे कि हमने बोला गर्ल, तो गर्ल सारी गर्ल हो गई. लेकिन अगर मैंने उनमें बोला, जैसे कि नाम तो आपके आएंगे, जैसे कि मैंने बोला शाहीन, तो ये शाहीन क्या हो गया हमारे पास? ये हो गया प्रॉपर नाउन. क्यों? क्योंकि ये पार्टिकुलर एक इंसान का नाम ले रहा है. ऐसी पार्टिकुलर किसी एक जगह का नाम हो, जैसे कि हमने डॉग ले लिया है यहाँ पे, या एनिमल हो एलिफेंट, तो ये क्या होगा हमारे पास? पार्टिकुलर किसी एक एनिमल का नाम है. ठीक हो गया. जैसे कि टेबल्स तो सारी टेबल्स है, लेकिन अगर हमने कहा राउंड वाली टेबल, तो वो क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया. ठीक है, इट इज क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट प्लीज. अब लेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा कॉमन नाउन. मैंने आपको वैसे पहले समझा दिया था और ये आपको हो गया. तो इसके कुछ सेंटेंसेस आप बनाएंगे. व्हाट इज अ प्रॉपर नाउन एंड इसके कुछ वर्ड्स लिखेंगे प्रॉपर नाउन के. नेक्स्ट हमारे पास है कॉमन नाउन. नेक्स्ट क्या है हमारे पास? कॉमन नाउन. व्हाट इज अ कॉमन नाउन? जस्ट अपोजिट कर देंगे इसको हम किसका? प्रॉपर नाउन का. प्रॉपर नाउन का जस्ट अपोजिट हम इसको समझ लेंगे. जैसे कि प्रॉपर नाउन में हमने समझा कि पार्टिकुलर किसी एक इंसान का नाम, पार्टिकुलर किसी एक चीज का नाम. लेकिन इसमें क्या होगा ना, ग्रुप में बात होगी. इसमें क्या होगा? ग्रुप में बात होगी. तो वो क्या होगा? हमारा कॉमन नाउन होगा, है ना. जैसे कि मैंने बोला था अभी स्कूल्स, स्कूल बोले, अब किसी एक स्कूल का तो नाम लिया नहीं. स्कूल तो बहुत सारे, मतलब कोई सा भी स्कूल हो सकता है, तो वो कहां में आएगा? कॉमन वर्ड है ना स्कूल, कॉमन वर्ड है, तो वो कहां में आएगा? कॉमन नाउन में. लेकिन अगर मैंने कहा सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, तो वो फिर कॉमन नहीं है. वो कहां में आएगा फिर? यस, प्रॉपर नाउन में. कहां में आएगा? प्रॉपर नाउन में. ऐसे ही अगर हम बोलते हैं गर्ल, तो गर्ल तो सभी गर्ल, लेकिन सारी गर्ल्स की कैटेगरी आ गई उसमें. लेकिन अब कौन सी वाला उसका अगर सारी गर्ल्स आ गई ना, सारी गर्ल्स की कैटेगरी आ गई, तो क्या आएगा? कॉमन नाउन में. लेकिन अगर मैंने शाहीन बोला, तो वो कॉमन नाउन में आएगा? नो. तो इट इज क्लियर प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन? यस, डेफिनेशन हम इसकी देख लेते हैं. हाँ, तो कॉमन नाउन, कॉमन नाउन इज अ वर्ड used
by everything. क्या आएगा? Common noun is a word which used common by everything. कौन सी थी? Everything. मैंने आपको समझाया था कि common noun जो होता है हमारा, वो common noun क्या होता है? By everything. Everything जितनी भी चीजें हैं, उन सब के लिए common word use होगा. Of the same class and or भी लिख सकते हैं and and भी लिख सकते हैं or kind. It is here. Yes. Common noun is a word which used common by everything of the same class of kind. यानी कि एक जैसी कि एक ही category के होंगे, एक ही काइंड होगा, एक ही क्लास हो, और जो हमें पता है कि हाँ ये कॉमन है, तो वो कहाँ में आएगा? कॉमन नाउन में. फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं, करके देखा हमने, है ना? तो स्कूल क्या हो गया हमारा? कॉमन वर्ड है, ओके? एंड गर्ल क्या हो गया हमारा? कॉमन वर्ड है, ओके? एंड ऐसे ही हमने लिया city, common word, and teachers, common word. इस टाइप के जिनमें ग्रुप शो हो, कैटेगरी शो हो, यानी कि काइंड शो हो, सेम क्लास के हो, एक ही क्लास के हो, उनका एक क्लास हो, एक जैसा वर्ड हो, कॉमन हो, है ना? कहते हैं तो कॉमन चीज, कॉमन है. ये सब तो कॉमन टीचर्स हैं, सारे टीचर्स की कैटेगरी. गर्ल है, सारे गर्ल की कैटेगरी, स्कूल है, सारे स्कूल आ रहे हैं. लेकिन जब हम उसका नाम लेकर के बात करेंगे तो वो फिर कॉमन नहीं है, वो क्या हो जाएगा फिर? प्रॉपर. यस, क्या हो जाएगा वो फिर? प्रॉपर हो जाएगा. ठीक है, जैसे कि मैंने लिखा है, आई एम टीचर इन सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल. ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉमन नाउन. इसकी हमने डेफिनेशन पढ़ी, उसको हमने समझा, इट इज क्लियर. अब आप बनाएंगे यहाँ पर एक चार्ट, ओके? यहाँ होगा हमारा कॉमन नाउन, यहाँ होगा आपका प्रॉपर नाउन, और इसको आप डिफाइन करेंगे, ओके? इसमें आप लिखेंगे कॉमन वर्ड्स कौन कौन से होते हैं, प्रॉपर वर्ड्स कौन कौन से होते हैं, इसको आपको डिफाइन करना है, ओके? कॉमन नाउन आपने लिखा, कॉमन वर्ड्स बताइए जल्दी जल्दी. यस, हाँ, हमने लिखा यहाँ पर एक्टर, एक्टर्स, ठीक है? लेकिन प्रॉपर नेम भी क्या एक्टर्स आएगा? नो, हमने लिखा सलमान खान. तो ये क्या हो गया हमारा प्रॉपर. हमने लिखा टीचर्स, लेकिन हमने यहाँ कौन सा लिखा? सबा हसन मैम. तो ये क्या हो गया हमारा प्रॉपर नाउन. ऐसे ही आपको बहुत सारी टेबल्स बनानी है, ओके? इट इज योर होमवर्क, इट इज डन. टेक अ स्क्रीनशॉट प्लीज. Thank you so much. We'll see you in the next video.